रियासी विधानसभा की 3 सीटों से 2 पर भाजपा का कब्जा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से बलदेव राज शर्मा ने जो है वो जीत दर्ज की है, और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कुलदीप राज दुबे जो है वो विनर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बलदेव राज शर्मा ने जो है वो 18,199 वोट लिए हैं, 1995 वोटों के साथ वो विजय रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कुलदीप राज दुबे ने जो है वो 39,035 वोट लिए हैं। कुल मैं आपको बता दूं कि 18,509 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की है। वहीं पर अगर मैं मुमताज खान की बात करूं तो 20,526 वोट उन्होंने लिए हैं। बड़ी माध्यम से जो है वो कुलदीप राज दुबे मंगूछा जो है वो उन्होंने जीत दर्ज की है, और उनके जो समर्थक है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और हमारे साथ तृतीय लीडर भाजपा के एडवोकेट कमलदेव सिंह मौजूद है। इनके साथ बातचीत करेंगे सर, किस तरह से उजागर की जाएगी। देखिए ये जो जीत है एक जनता की जीत है और बहुत बड़ी जीत है। जब से कुलदीप राज दुबे जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश आ गया था उसी वक्त, और लोगों ने पार्टी वाली से ऊपर उठकर उसी पार्टी में लोगों ने पूरा समर्थन किया, क्योंकि कुलदीप राज दुबे जी की एक अपनी छवि है, बहुत ही एक एक्सपीरियंस व्यक्ति है, अनुभव की व्यक्ति है, और लोगों को बड़ी उनसे बीते थी जिसकी वजह से वो इतने भारी मतों से यहाँ से जीते हैं। और कटरा वाली सीट भी जो भारतीय जनता पार्टी जीती है उसके लिए भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी ध्यान से मेहनत की है। रियासी में हमारे जितने भी कार्यकर्ता आप देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, सब लोगों ने दिन रात मेहनत की, और आज यह नतीजा हमारे सामने है कि हमने जो पास जिला रियासी की पार्टी का मैंने 2 सीटें जीती है, और रियासी की सीट भारी मतों से जीती है, 18,509 वोटों से जीत दर्ज किया गया। कभी सोचा था कि इतने ज्यादा वोट जो है वो लोग इनको देंगे। देखिए जब दीप राय दुबे जी को टिकट मिली थी तभी से हमें लगता था कि हमारा मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा और हम ये अच्छी लीड से जीतेंगे। अब आगे की क्या तैयारी है देखिए, अब अंदर गेट है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, और यहाँ से बिहार से रैली निकालते हुए वहाँ काली अंदर में मत्था टेकते हुए पार्टी दफ्तर जाएंगे, और उसके बाद जो है सबको भोजन की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूँ लगातार जो है वो जितनी खुशी जारी की जा रही है, यहाँ पर पहुंचे गए कुछ कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त लोग की तरफ नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे उनके स्वागत के लिए, लगातार जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही है, नाच जाते रहे हैं, और देखते हैं आप जो है वो भाजपा के झंडे के यहाँ पर फहराए जा रहे हैं, जो है वो जारी किया जा रहा है। तो जो है वो कुल 39,035 वोट लिए हैं, कांग्रेस के मुमताज खान ने 20,526 वोट लिए हैं, और मंगू शाह ने जो है वो 18,509 वोटों से ये जीत दर्ज की है। वही अगर मैं कटरा की बात करूँ तो कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से बलदेव राज शर्मा ने जो है 18,199 वोट लिए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा ने 16,204 वोट लिए हैं, और वहीं पर कांग्रेस के भूपिंदर सिंह जी जो है वो उन्होंने 5,555 वोट लिए हैं। बलदेव राज शर्मा ने 1995 वोटों से जीत दर्ज की है, और वहीं पर कुलदीप राज दुबे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से 39,035 वोट लेकर जो है जीत दर्ज कर दिया है। जो है उन पर सजाई जा रही है, मंगूछा जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे जो है उनके लिए जो है एक गाड़ी जो है वो सजाई गई है, और उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल पल पल के बदल के साथ जो है वो आप बने रहे रियासी टेक न्यूज के साथ, और कुछ ही क्षणों के बाद जो है वो मंगूछा काउंटिंग हॉल से जो है वो बाहर आएंगे और लोगों से जो है वो मिलेंगे। यहाँ की गाड़ी जैसे यहाँ किस तरह से जो है वो सजाई गई है, लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे यहाँ पर पहुंचे हुए। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी मोहम्मद जफर। कहाँ से आए हो? हाँ जी बिटा से। बिटा से आए हो, तो क्या खुशी हो रही है कि आपका बच्चा से जीत गया? पूछा उम्मीद थी जीतेगा, उम्मीद थी नहीं। अच्छा आप कहाँ से आयो? मंगूछा के साथ आयो? कहाँ से आयो? हरना से जीत चुके हैं मंगूछा जी, सोचा था कितने बड़े मौके से जीतेंगे। सर आपका क्या नाम? मैं चंपार से हूँ। तो बड़ी खुशी की मुबारकबाद है, हमारा मंगूछा बड़ी अच्छी लीड से जीता गया, तो हमें बड़ा काफी देर से इंतजार था। नाथ पहले भी कई 4 बार हमारे राजभवन में हार चुके थे, आज हमारी पूरी जनता का बहुत ही बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मैं करता हूँ। सोचा था कि 18,509 इतना लग रहा था हमें भाई, हमें जीत है 10,000 से ऊपर ही है, तो बड़ा
मुबारकबाद है जनता को, लोगों को बड़ी मुबारक है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया, बढ़ चढ़ वर्करों ने भी किया है, लोगों ने भी किया है। और मैं तो बता दूं, ये देख सकते हैं आप जो है फिलहाल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काउंटिंग हो रही है लोगों का, यहाँ पर उनका मंगूचा जी का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। आगे जो है किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मंगूचा वहाँ पर सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पर गए हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट उनको मिलेगा उसके बाद जो है वो बाहर आएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो माता जी के दरबार में पहुंचेंगे, वहाँ पर माथा टेकेंगे। और फिलहाल अभी जो है वो खुशियाँ मनाई जा रही है, भांगड़ा जो है वो इस पर जाते चले वहाँ पर बजाया जा रहा है। और लोग जो है वो खुशी में जो है वो शामिल हुए हैं। बस्तर के लोगों ने जो है भारी मोहम्मद से जो है उस पर उठा रहा है। और लगभग 18,500 वोटों के साथ जो है मंगूषा का लोगों को, मंगूषा जो हम जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसी गाड़ी पर सवार होंगे और इसी गवाड़ी पर सवार होकर लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दो सीटें जो है वो भाजपा ने रियासत काउंसिल से हासिल की है। रियासत काउंसिल से भाजपा के प्रत्याशी उन्होंने कहा कि जीत दर्ज किया। कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से देवराज शर्मा ने जो है वो जीत दर्ज हासिल की है। बीजेपी के कुलदीरा दुबे जो है वो 39,035 वोट इन्होंने दिए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मुमताज खान ने जो है वो 18,502 वोट दिए हैं। और भाजपा के जो कुलदीरा दुबे हैं वो भारी बहुमत से जो है वो जीत दर्ज की है, 18,500 वोट उन्होंने लिए हैं। मुमताज खान ने जो है वो 20,526 वोट दिए हैं। वही कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने देवराज शर्मा ने 18,102 वोट दिए हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने 16,204 वोट लिए हैं। कांग्रेस के भूपिंदर सिंह ने 5,453 वोट लिए हैं। और कटरा की अगर मैं बात करूं तो 1995 वोटों के साथ जो है वो देवराज शर्मा जीते हैं। और बीजेपी के कुलदीरा दुबे रियासी से 18,509 वोटों के साथ जीते हैं। वहीं अगर मैं गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वहां पर एनसीपी खुर्शीद अहमद जो है वो लीड बनाए हुए हैं, लास्ट राउंड कर रहे हैं, 6,780 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुलाबगढ़ में एनसी के खुर्शीद अहमद जो है वो जीतने वाले हैं। और रियासी में कुलदीराज दुबे और कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से देवराज शर्मा जो है वो जीत दर्ज किया। अब आगे की
खबर के लिए बने हुए हमारे साथ। दुबे जी क्या चाहते हैं जितने के बाद